ओम अज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे कि महाराज नाभि के सभा में भगवान स्वयं प्रकट हुए, जहाँ पर वो यज्ञ करवा रहे थे। और ये ब्राह्मण गण, ये पुरोहित गण भगवान को बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो दो तीन चीज़ें बड़ी समझने लायक हैं। एक तो हमने ये देखा था कि महाराज नाभि ने बाहरी रूप से ये यज्ञ वगैरह करवाए थे, आंतरिक रूप से मतलब औपचारिकता के लिए उन्होंने ये बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया था। अन्यथा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि भगवान उनकी भक्ति के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके शुद्ध चित्त के द्वारा भगवान संतुष्ट हुए थे, इसलिए भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। महाराज नाभि ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, भगवान उसके द्वारा प्रसन्न होकर के वहां पर प्रकट नहीं हुए थे। तो ये पुरोहित, ये ब्राह्मण गण यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो तीन बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं करते हैं, जिसमें वो इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। तो पहले वो कहते हैं कि हे भगवान, जब आपका भक्त गदगद होकर के, आनंद विभोर होकर के जब आपका गुणगान करता है, या फिर केवल अपने अंजलि में उतना मात्र जल आपको अर्पण करता है, या तुलसी दल आपके चरणों को अर्पण करता है, आप उसके द्वारा अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात जो है ये पुरोहित गण यहाँ पर कह रहे हैं। तो मतलब वो बता रहे हैं कि ये आपके जो भक्त हैं महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी, उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना के द्वारा आप प्रकट हुए हैं। आप इसलिए प्रकट नहीं हुए कि हम यहाँ पर पुरोहित गण, ब्राह्मण गणों ने बहुत बड़े यज्ञों का आयोजन किया है, मंत्र का हम उच्चारण कर रहे हैं और उसके कारण आप प्रकट हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप भक्त वत्सल हैं। तो वेदों में एक श्लोक आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हम समझ सकते हैं। तो वहाँ पर कहा है, तुलसी दल मात्रेण, अगर कोई व्यक्ति बड़े ही भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में, भावनाओं के साथ में भगवान के चरण कमलों पर तुलसी दल मात्रेण, मात्र मतलब है और कुछ जरूरत ही नहीं है, मतलब भगवान हमारे धन दौलत ऐश्वर्य चढ़ाएंगे
हम लाखों रुपए हुंडी में चढ़ाएंगे, भगवान उसके द्वारा प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि लाखों रुपये मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्च करूं और भगवान के लिए एक पत्ता चढ़ाऊं। भगवान भावग्राही है, वो भावना देखता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं और भगवान को केवल एक पत्ता चढ़ाना चाहते हैं। तो भगवान भावग्राही होता है। तो मतलब क्या है, ये सब हम औपचारिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है, अगर भावना के साथ में हम तुलसी दल मात्र भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाता है। तो क्या कहा है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, या फिर चुलक का मतलब होता है हमारी अंजलि, हमारे हाथों में, हमारे हाथों में जो जल आता है, अगर हम उतना भी भगवान को अर्पण कर दें, लेकिन भावनाओं के साथ में, निष्ठा के साथ में, प्रेम के साथ में अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं, क्या कहते हैं, विक्रीणते स्वम आत्मानम, भगवान विक्रीणते का मतलब होता है बिक जाता है अपने भक्तों के लिए। भगवान को बांधना, भगवान के दर्शन भी करना अत्यंत दुर्लभ है। वेदेशु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भी अगर हम भगवान को खोजेंगे, भगवान दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्म भक्तौ, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान अत्यंत सुदुर्लभ बन जाते हैं, मतलब बड़ी आसानी से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो कह रहे हैं विक्रीणते स्वम आत्मानम, भगवान स्वयं को अपने भक्तों को बेच देते हैं, इतना मात्र करने से, तुलसी दल चढ़ाने से और अंजलि में जितना हमारा पानी आता है उतना भी अगर हम भगवान को अर्पण कर दें, लेकिन भक्ति के साथ में। तो यही कहा है भक्तेभ्यो भक्तवत्सलाहा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का वत्सल है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवद गीता में भी देखिए, इसलिए भगवान ने यही बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त प्रयच्छति, जो मेरा भक्त मुझे श्रद्धा के साथ में चढ़ाता है, छोटा तुलसी का पत्ता क्यों ना हो, पत्रम पुष्पम, कुछ फूल चढ़ाते हैं हम लोग भगवान को, पत्रम पुष्पम फलम या फल चढ़ाते हैं, तोयम मतलब पानी चढ़ाते हैं, यो मद भक्ता, जो भी मेरा भक्त प्रेम से चढ़ाता है, तद अहम अश्नामी, भगवान कहते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूं। तो ये बात ये यहां पर स्पष्ट कर देते हैं कि आप इस सभा में, हमारे बड़े बड़े यज्ञ हम लोगों ने किए हैं, मंत्रों का उच्चारण किया है, उसके द्वारा आप प्रकट नहीं हुए हैं, आपके भक्त ने बड़े शुद्ध मन से आपसे प्रार्थना की है और अपने भावनाओं के साथ में, निष्ठा के साथ में आपकी जो उपासना की है, इसके कारण आप प्रकट हुए हैं। दूसरी प्रार्थना में वो क्या कहते हैं, दूसरी प्रार्थना में कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमें ये सब बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत थी। मतलब अब उनको आभास हो रहा है कि ये सारे बड़े बड़े हमने जो यज्ञ करवाए हैं, इन सब यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब हमने जो यज्ञ किए हैं इसके द्वारा आपका कुछ हित हो रहा है, इनके द्वारा आप संतुष्ट हो गए हैं, ये समझना बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए,
हम कृष्णा भगवान की एक लीला में भी देख सकते हैं। जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन में विचरण कर रहे थे तो भगवान के सखाओं को भूख लगी। भगवान ये दर्शाना चाहते थे इस लीला के द्वारा कि मैं इन बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा संतुष्ट नहीं होता हूँ, मैं केवल भक्ति के द्वारा संतुष्ट होता हूँ। तो क्या हुआ था, भगवान के जो सखा गण थे उन्होंने कहा कि भगवान, हे दाऊ जी, हे कृष्ण, हे बलराम जी, हमें बड़ी भूख लगी है, क्या कृपा करके हमारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करोगे? तो भगवान ने कहा, ठीक है, एक काम करो, हम जिस जंगल में यहाँ पर विचरण कर रहे हैं इसके पास में एक गांव है, उस गांव में बहुत सारे पुरोहित लोग, ब्राह्मण गण जो हैं, बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। और देखिए, यज्ञ किस लिए होता है? वेदों के अनुसार यज्ञ भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए होता है। अगर कोई यज्ञ कर रहा है उसमें बहुत सारे यज्ञ करने के लिए क्या होता है, देखिए, घी की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे द्रव्यों की जरूरत पड़ती है, जैसे भोजन हुआ, अनेकों प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं जो यज्ञ में चढ़ाए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। तो ये सब किसके लिए बनाए जाते हैं? ये जो भोजन बनाया गया है वो सब भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए है ना। तो भगवान ने कहा कि यज्ञ के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए ही इन ब्राह्मणों ने वहां पर जो है अनेकों प्रकार के भोग लगाए हैं, तो उनसे कहो कि कृष्ण और बलराम यहाँ पर भूखे हैं और वो चाहते हैं कि जो भोजन तुमने भगवान के लिए बनाए हैं वो उनको ग्रहण करना चाहते हैं और अपने सखाओं के साथ में मिल करके वो भोग लेंगे। तो ये सारे ग्वाल वाले जो है वहाँ पर गए। तो जब वहाँ पर गए, पहली बात तो इन ब्राह्मणों ने, इन पुरोहितों ने इन बालकों की तरफ देखा भी नहीं, वो अपने यज्ञ करने में मग्न हैं। तब उन्होंने कहा कि जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो स्वयं भगवान विष्णु, वही कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर पास के जंगल में हैं, और क्योंकि तुमने भोजन उनके लिए बनाया है, उनकी संतुष्टि के लिए बनाया, वो चाहते हैं कि वो भोजन तुम उन्हें दे दो, उनको भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख बालको, तुम जाओ यहां से, अरे देखते नहीं हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, ये जो भोग है ये यज्ञ के लिए है और तुम कह रहे हो कि कृष्ण बलराम को हम वहां पर दे दें, अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, तुम जाओ यहां से। तो मतलब देखिए, ये जो पुरोहित थे इनको ये पता ही नहीं है ये यज्ञ वो लोग किस लिए करवा रहे हैं, कि भाई ये जो यज्ञ वो करवा रहे हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए ही तो है, और स्वयं साक्षात यज्ञ के द्वारा भी भगवान खाते हैं, और जब डायरेक्टली भगवान आ गए हैं उनको मना कर रहे हैं कि नहीं भाई तुम रुको, पहले यज्ञ को खिलाएंगे। अरे यज्ञ के द्वारा किसको खिलाया जाता है? अग्नि में जब हम चढ़ाते हैं, अग्नि के मुख से कौन खाते हैं? वो स्वयं भगवान विष्णु के लिए तो है, और जब स्वयं भगवान वहां पर आकर के कह रहे हैं कि ठीक है ये भोजन तुमने मेरे लिए बनाया है ना, तो मुझे प्रदान करो, मुझे भूख लगी है, मेरे सखाओं को भूख लगी है, तो इन ब्राह्मणों की कुछ समझ में नहीं आया, इनको पता ही नहीं है कि यज्ञ जो है भगवान की संतुष्टि के लिए, मतलब केवल ये औपचारिकता में फंसे हुए हैं, धर्म की रूढ़ियों में फंसे हैं, उनके पीछे क्या महत्वपूर्ण भावना है, भाव है, ये भूल गए। तब बेचारे दुखी होकर के सारे ग्वाल वाले वापस लौट आए। तब उन्होंने कहा, एक काम करो, दोबारा ब्राह्मणों के पास में मत जाओ, तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाओ, वो मेरे महान भक्त हैं। तो ये सारे ग्वाल वाले वहां पर गए और उन्होंने दरवाजे खटखटाए, माताओं को कहा जो ब्राह्मण की पत्नियां थी कि भगवान कृष्ण बलराम भूखे हैं। तो बहुत आतुर हो गई, उन्होंने कहा कि हे बालको, तुम जल्दी बताओ भगवान वहां पर भूखे हैं,
हम वहां पर किस प्रकार से भोजन लेकर के जा सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हारे पति तुम्हें डांटेंगे तो क्या करोगी, ये सारा भोग तो तुमने किन के लिए बनाया, यज्ञ के लिए बनाया है। उन्होंने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर हमको वो घर में वापस घुसने भी नहीं देंगे तब भी कोई परवाह नहीं है हमें, लेकिन भगवान वहाँ पर भूखे हैं, हम तुरंत ये सारा भोजन लेकर के उनको प्रदान करना चाहते हैं। तो देखिए, ये है असल में भगवान की भक्ति। वो अपने ऊपर भी कष्ट उठा करके भी, उन्हें पता है वो जब वहां से वापस आएंगी तो उनके पति उनको स्वीकार भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भगवान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहती थी। ये भगवान की भक्ति होती है। तो यही ये पुरोहित बता रहे हैं कि ये तो आपको संतुष्ट करेगा, हमने इतने बड़े बड़े यज्ञों का, हमको पता है कि भगवान इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं कि आप इसके द्वारा संतुष्ट होंगे, आपकी तो, आप तो आत्मा राम हैं, आपकी तो सच्चित आनंद विग्रह है, मतलब आपकी हमेशा खुशियां तो बढ़ती रहती हैं। हमारे इतने बड़े बड़े हमने जो है ये प्रयोजन बनाए हैं, इसके द्वारा आप संतुष्ट हो जाएंगे। आप तब संतुष्ट होंगे ना जब आपको जरूरत हो, जब आपको जरूरत ही नहीं है, आपको ये आपके लिए नहीं है, ये सब हमारे लिए है। ये जो हमने यज्ञ किया है, बड़े बड़े आडंबर किए हैं, अनेकों प्रकार के धर्म के ये जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं, इनकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इनके द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमें अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने ये सारे जो हैं किए हैं। अन्यथा आप तो भक्ति के द्वारा मात्र संतुष्ट होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है ये पुरोहित कहते हैं। तो और आगे कुछ बढ़िया प्रार्थना करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।